ऑटो ग्रुप आणि मीम ग्रुपच्या वतीने इफ्तारीचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. ऑटो ग्रुप आणि मीम ग्रुपच्या वतीने हिंदू मुस्लिम बांधवांसाठी इफ्तार पार्टीचं आयोजन स्टेट बँक चौकामध्ये करण्यात आलं होतं. रमजान महिना हा मुस्लिम बांधवांचा पवित्र महिना असतो. या पवित्र रमजान महिन्यात सर्व मुस्लिम बांधव एका महिन्याचे निरंकार उपवास करतात. या निमित्ताने सालाबादप्रमाणे ऑटो ग्रुपच्या वतीने इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सर्व मुस्लिम बांधवांना फळे, ड्रायफ्रुट्स तसेच जेवण आणि बिस्लरी पाणीचे वाटप करण्यात आले. इफ्तारनंतर सर्व मुस्लिम बांधवांनी जेवणाचा स्वाद घेतला. या इफ्तार पार्टीच्या कार्यक्रमाप्रसंगी वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश मोरे, ग्रुपचे अध्यक्ष शाहिद खान, तैसिफ शेख, भारत थोरात, अमजद मोमीन, श्याम शिंदे, कादर कुरेशी, समीर बाबा, तारिक शेख, जुनेद शेख, अजित शेख, इनुस शेख आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या इफ्तार पार्टीमध्ये हिंदू मुस्लिम एकतेचे दर्शन घडले. तसेच ऑटो ग्रुप नेहमीच सर्व धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आपला सहभाग हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडवतो. हा उपक्रम खूप कौतुकास्पद आहे असं प्रतिपादन वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश मोरे यांनी केलं. कार्यक्रमाप्रसंगी हिंदू आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने पोलीस निरीक्षक अविनाश मोरे यांचा सत्कारही करण्यात आला. आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, इस सिलसिले में स्टेट बैंक चौक के मीम ग्रुप के अध्यक्ष शाहिद खान और उनके साथ के सभी रिक्शा ड्राइवरों ने एक हिंदू मुस्लिम एकता के तौर के ऊपर इफ्तारी का प्रोग्राम रखा हुआ था. उस दौर में इफ्तारी के प्रोग्राम में ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज निरीक्षक पुलिस निरीक्षक मोरे साहब के साथ में इफ्तारी का कार्यक्रम हो गया. यहाँ पर जैसे कि बहुत पहले से शाहिद खान और उनके साथ में जितने भी शाम है, जैसे सलीम भाई है, सरफराज कुरैशी है, तौसीफ भाई है, अमजद मुमीन है, अली भाई है और बहुत से लोग हैं, सज्जद भाई है, ये जो सब मिलके हिंदू और मुस्लिम एकता की जो प्रतीक है, पहले से जैसा मुहर्रम आ गए, खाना बना लिए, गणपति विसर्जन आ गए, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते. ये एक मिसाल है अहमदनगर शहर की तरफ से कि आज मुहर्रम का आखिरी जुमा रहने की वजह से इफ्तारी का कार्यक्रम रखा स्टेट बैंक चौक के अंदर और सब हिंदू मुस्लिम ने मिलकर यहाँ पर इफ्तारी की और बहुत अच्छा माहौल बनाए रखा. इस बाइट के जरिए या इस वीडियो के जरिए मैं हिंदुस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये जो एकता है, ये एकता इसी हिंदुस्तान में बरकरार रखे. रमजान मुबारक का महीना है, इसके अंदर बहुत दुआएँ काम में आती है, बहुत से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. और दूसरी बात ऐसा है, ये जो कार्यक्रम है इसमें एकता की एक मिसाल है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि भाई ये मुसलमान ने किया, ये हिंदू ने किया, या सब मिलकर ये काम करते. तो मैं ये वीडियो के जरिए या समझो ये बाइट के जरिए बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम भी इसी तरह से एकता के इसमें रहे. कोई भी समझो किसी के अफवाह के ऊपर भरोसा न रखे. हमेशा पर यहाँ पर कई सालों से, मेरे हिसाब से 7-8 सालों से ये लोग पहले से कार्यक्रम करते आ रहे कि भाई यहाँ पर या कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई हरिजन नहीं, बस ऐसे ही एकते के तरह वैसे काम करते. तो ये हमेशा साथ में रहने वाले रमेश भाई हो या पूरे श्याम शिंदे, भारत भाई, ये जो हमेशा एकता के तौर पे काम करते हैं, अमजद भाई हो ना, ये सब लोगों ने मिलकर इफ्तारी का कार्यक्रम रखा, क्योंकि सब रिक्शा वालों ने मिलकर. और ये इसका महत्व बहुत बड़ा है, रमजानुल मुबारक का जो महीना है ना, इसका महत्व बहुत बड़ा है. बस यही एक बाइट के जरिए बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही एकता बरकरार रखें. या ठिकाणी सर्वप्रथम आमच्या रिक्षा स्टॉपला अभिवादन करून सर्व रिक्षा स्टॉपवाल्यांना व हिंदू मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देतो की आज शेवटच्या शुक्रवारच्या दिवशी एकता पार्टीच्या निमित्ताने सर्व धर्मसमभाव एकत्रितपणे त्यांनी येण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आमचे बंटी सेठ, श्याम शिंदे, आपल्या ग्रुपचे रिक्षा चालक सर्वजण एकत्र येऊन हा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षी दरवर्षी साजरा करत असतात. आम्ही कायमस्वरूपी त्या कार्यक्रमाला आवर्जून हजर असतो. बरं, प्रत्येक वर्षी आम्ही असे कार्यक्रम करत असतो. एकतेचं प्रतीक म्हणून आम्ही काहीतरी भावनेनी आम्ही ती संघटना चालवत असतो की यांनी सर्व समभाव एकत्र व्हावेत व जाती धर्म न करता सर्वांनी एकत्र येऊन एकत्रपणेने एक निष्ठपणेने आपल्या भारताचं संरक्षण करणे व याच्यावर आम्ही त्याचं काम करत असतो. व रिक्षा स्टॉपचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी हा कार्यक्रम साजरा केला आणि त्यांना मी शुभेच्छा देतो या रमजान महिन्याच्या की
त्यांनी त्यांचा सण व्यवस्थित साजरा करावा व आमच्या बी शुभेच्छा आहेत त्यांच्या पाठीमाग. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.